अंगीकार करेंगे। जब हम अंगीकार करते हैं तो हम मुंह से बोलकर अंगीकार करना है, समझ के साथ। अगर आप इंग्लिश में अंगीकार करना चाहते हैं, कबूल करना चाहते हैं, इंग्लिश में कीजिए। हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में कीजिए, लेकिन आपकी अपनी भाषा में करना चाहते हैं तो अपनी भाषा में कीजिए। लेकिन हमको अंगीकार करना बेहद ज़रूरी है, मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। ब्लेसेड जीसस, यू आर ग्रेटर दैन ऑल, यू रूल द हेवेंस एंड द अर्थ, everything from galaxies to governments, no name or power is outside the reign and dominion of your majesty. How great thou art, O Lord! You alone are God, worthy of all honor, majesty and praise, now and forever. Amen. धन्य है प्रभु यीशु, तू सबसे महान है, तेरा राज्य स्वर्ग और पृथ्वी में राज्य कर रहा है। सब कुछ जो मंडलों में, सृष्टि के मंडलों में और सरकार में, इन सभी जगहों में, मंडलों से लेकर सारे सरकारों तक, कोई नाम या सामर्थ तेरे अधिकार और प्रभुता के राज्य के बाहर नहीं है। केवल तेरे ही राज्य और प्रभुता के महाप्रताप में है। कितना महान है तू हे प्रभु, तू एकमात्र परमेश्वर, आदर के सारे आदर के योग्य, महाप्रतापमय और प्रशंसा करने योग्य, अभी और सदा के लिए। आमेन। आज मनन करने के लिए जो वचन दिया है वो ये है, हेब्रियोस 13:15, सैम्स 138:2, रेवलेशन 4:10-11। आज मनन करने के लिए जो वचन दिया है वो है इब्रानी की पत्री 13:15, भजन संहिता 138:2 और प्रकाशित वाक्य 4:10-11। हम पहले इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, फिर हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। हिब्रियोस 13:15। हिब्रियोस 13:15। By him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is, the fruit of our lips, giving thanks to his name. By him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is, the fruit of our lips, giving thanks to his name. यही वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री 13:15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। और एक बार पढ़ेंगे, इसलिए
हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भजन संहिता सैम्स 138 चैप्टर और सेकेंड वर्स, सैम्स 138 सेकेंड वर्स, आई विल वर्शिप टुवर्ड thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth, for thou hast magnified thy word above all thy name. Aur ek bar padhenge, I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth, for thou hast magnified thy word above all thy name. भजन संहिता 138 अध्याय का दूसरा वचन, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। और एक बार पढ़ेंगे, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। और एक बार पढ़ेंगे 138 वचन और अध्याय, 138 अध्याय भजन संहिता का और दूसरा वचन, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। Revelations 4th chapter 10th verse, प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय उसका 10 और 11 वचन, 4th chapter 10th और 11th verse, प्रकाशित वाक्य Revelations 4th chapter 10 और 11 verse, the 4 and 20 elders fall down before him that sat on the throne and worship him that liveth for ever and ever and cast their crowns before the throne saying thou art worthy O Lord to receive glory and honor and power for thou hast created all things for thy pleasure they are and were created. फर्स्ट वर्स और एक बार पढ़ेंगे रेवलेशंस 4 चैप्टर 10 और 11 वर्स, द 4 and 20 एल्डर्स फॉल डाउन बिफोर हिम दैट सैट ऑन द थ्रोन एंड वर्शिप हिम दैट लिवेथ फॉर एवर एंड कैस्ट देयर क्राउन्स बिफोर द थ्रोन सेइंग thou art worthy O Lord to receive glory and honor and power for thou hast created all things for thy pleasure they are and were created. प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय 10 से 11 वचन पढ़ेंगे, तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और जो तेरी ही इच्छा और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। और एक बार पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय 10 और 11 वचन, तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है,
क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई।